बारह बजे शायद आप जाएं। परेशानी हो रही है आप लोगों को? जाना है सर जी ना, घोसी तो कोई ऑटो ऑटो भी नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस भी बंद हो गई, तो फिर कैसे व्यवस्था समझ जाएंगे? 112 नंबर पर तो पर्स फोन लगा रहेगा, 12 बजे से अभी तक लग ही नहीं रहा है। अभी तक बात नहीं हो पाई, 12 बजे से अभी तक कैसे कोई जाएगा, कोई सुविधा नहीं। तो अस्पताल कहाँ फंसी है आप, कहाँ आई थी? है ना जिला अस्पताल के गेट पर, जिला अस्पताल में 12 बजे हम लोग को रिचार्ज कर दिए, 11 बजे डॉक्टर साहब आए तो और रेफर कर दिए बनारस के लिए। पैसा नहीं है तो हम लोग सोचे घर जाएंगे, व्यवस्था करके आएंगे, तो घर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। अच्छा, कैसे कोई जाएगा? अच्छा, तो किसी सुविधा का मांगा अस्पताल में, बोला आपने कोई एम्बुलेंस होना चाहिए? हाँ बोल रहे थे लोग सर जी की, रुकिए रुकिए घोसी की गाड़ी आएगी तो भेज दिया जाएगा, अभी तक अभी नहीं। कितना बज गया? 11 बजे से देख लीजिए कौन बज गया, 6:30 होने वाला है, 6:18 हो रहा है। तो कहीं एक फोन मिला रहा था, आपने फोन मिलाया कहीं? तब एम्बुलेंस की सुविधा पता चला बंद हो गई है, तो 112 पर लगा रहे हो ना 12 बजे से। हाँ। अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं। 112 क्या व्यवस्था हो रहा है? कुछ नहीं, वैसे बिजी बता रहा है, तो कभी उठाए लो तो कुछ बताइए नहीं किए, काट दिए। कितना दूर है यहाँ से घोसी? होगा 25-30 किलोमीटर होगा। कैसे जाएंगे आप? कैसे जाए वही तो नहीं समझ में आ रहा है कैसे जाए। आप बस दो ही लोग महिलाएं हैं केवल? हाँ, और कोई साथ में नहीं है? नहीं। अच्छा, 112 पे कभी फोन उठाया था उन्होंने, कुछ कहा था? नहीं, 2 बार उठा मगर बात नहीं हुई। अच्छा, दवाई फिर करिए। जिला अस्पताल पे 11 बजे का हमको बनारस के लिए रेफर कर दिया गया, तो हमारे पास पैसा नहीं है, सब टेम्पू सब रोक दिया गया, कोई साधन नहीं, हम घर जाएं व्यवस्था करें, हम मम्मी को लेके जाएं। अरे सर जी, हम 11:30 बजे से ही परेशान है, वो फोने नहीं लग रहा, 112 पे 100 पे मिला रहे हैं सर जी, आके देख लीजिए हमारे मोबाइल में कम से कम 30 बार फोन लगाए होंगे। क्या हुआ? 112 लगाए फोन। आपके दोपहर 12 बजे से ये एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे और शाम के 7 बज गए, लेकिन इनको एम्बुलेंस नहीं मिली। लॉकडाउन के चलते न कोई निजी एम्बुलेंस मिला न ही सरकारी। ऐसे में जब पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तमाम दावे कर रहा है कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये आपके सामने है। अंत में जब जिलाधिकारी से संपर्क किया गया, उसके 2 घंटे बाद इनको एम्बुलेंस मिली और ये घर गई। ऐसे में पुलिस के जो 112 सुविधा है, 108 है, 102 है, सारी सुविधाएं फेल मार गई। प्रश्न ये उठता है कि जो निरीह है व्यक्ति है जिसके साथ कोई नहीं है, वो इस लॉकडाउन में घर कैसे आया? गिर गई थी ना माता जी, रात में लेकर एम्बुलेंस एडमिट हो गया, बनारस के लिए 11 बजे रेफर कर दिए। एम्बुलेंस के लिए कैसे परेशान थी, कैसे आया एम्बुलेंस? तो आज सुबह से लगा रही थी तो सब व्यवस्था बंद हो गई थी एम्बुलेंस वाली, तो 112 पर और स्विफ्ट लगा परेशान थी, तो एम्बुलेंस वाले भैया और आप मिलके फोन किए तो आया, तो हम लोग जा रहे हैं घर। बस थैंक यू, जा रहे हैं घर अब जी। कितने देर परेशान रही आप? हाँ, वही 11 बजे से अभी तक। थैंक यू।